नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्टिकल 15 को हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये 20वीं वीडियो है लक्ष्मीकांत की सीरीज की। क्या बोलता है आर्टिकल 15? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं और क्या कुछ सर्कमस्टांसेस में ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इन पॉलिटी किताब खरीद के अपने सामने जरूर रख लें पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं किताब नहीं दिखा रहा हूं, मैंने छोटे मोटे नोट्स दिखाए हैं, बट हाँ मैं किताब का रेफरेंस ले रहा हूं। तो किताब अगर आपके सामने रहेगी तो आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए और इसके साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, ये है आर्टिकल 15 का टेक्स्ट। शुरुआत में ही आपको दिख रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कुछ सब क्लॉज दे रखे हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 के भी दो फर्दर क्लॉजेस हैं, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5। एक एक करके दोस्तों सारे सब क्लॉजेस में आपको बताऊंगा कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आते गए, सब क्लॉजेस जुड़ते गए। आप देखोगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा उसके थ्रू सब क्लॉज जुड़ेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट आएगा उसके थ्रू भी एक क्लॉज जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 को लागू करने के लिए एक और चीज सामने आई, जो कि क्या थी, जो कि थी आपकी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। तो ये भी बताऊंगा। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है दोस्तों, तो हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो इनके साथ आप कंफ्यूज होते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हो। अब देखिए, आप किताब अगर देख रहे हैं तो किताब में सामने सामने लिखा है कि भाई आर्टिकल 15 हमारे संविधान का ये बोलता है कि स्टेट, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, ओनली पे ध्यान दीजिएगा, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, आप कहां जन्मे हो इसके बेसिस पे आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि ये वर्ड ओनली यहां पे लगा है, तो इस वर्ड ओनली का मतलब है कि इन सारी चीजों के अलावा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा किसी और फैक्टर पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो दो पर्सन है और एक पर्सन अगर ज्यादा टैलेंटेड है और एक पर्सन है जो कम टैलेंटेड है, तो कम टैलेंटेड पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि भाई आप ज्यादा टैलेंटेड वाले पर्सन को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसमें ज्यादा टैलेंट है तो उसे प्रेफरेंस मिल रही है। लेकिन अगर एक पर्सन हिंदू है, एक पर्सन मुस्लिम है, और अगर आपने हिंदू को चांस दे दिया तो मुस्लिम पर्सन ये पूछ सकता है कि इसको आपने चांस क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं चांस दिया, अगर आपको परखना है तो काबिलियत के दम पर परखिए। तो ये चीजें हो गई। तो फर्स्ट वाला क्लॉज, दो चीजें ध्यान देने वाली, एक तो स्टेट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन या स्टेट के नाम से बात हो रही, और एक ओनली, यानी कि जितनी चीजें मैंने बताई इनके अलावा किसी और चीज पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं, द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 क्या बोलता है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, एनी लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू वॉट, तो पहला एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड पैलेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, दूसरा यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बैदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स नॉट डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब पहले आर्टिकल में यह बोल दिया गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, नहीं करेगा, तो फिर से ये दूसरा वाला क्लॉज क्यों घुसेड़ के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात की जा रही है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले क्लॉज में जो एप्लीकेबिलिटी थी वो थी स्टेट पे, और स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो तो मैं पहले आपको अपनी वीडियो में बता ही चुका हूं, अपनी फंडामेंटल राइट्स की पहली वीडियो में। तो पहला क्लॉज एप्लीकेबल होता है स्टेट पे। जो दूसरा क्लॉज है दोस्तों, वो आपका स्टेट पे भी एप्लीकेबल होगा और आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी ध्यान दीजिए, सेकेंड क्लॉज के अंदर बोला है कि भाई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके ऊपर किसी भी तरीके की लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं डलाई जा सकती when it comes to access to shop, public restaurants, hotels and palaces of public entertainment. तो कल की डेट में मान लीजिए आप में से कोई जाता है मॉल में, ठीक है, मैं लखनऊ में रहता हूं, तो लखनऊ में
सहारागंज मॉल में हम लोग जाते थे मूवी देखने के लिए, तो सहारागंज मॉल में मैं पहुंचा मान लीजिए, और कोई एक दूसरा पर्सन पहुंचा, उस दूसरे पर्सन को सहारागंज मॉल में एंट्री मिल गई, और मान लीजिए मुझे सहारागंज मॉल में एंट्री नहीं दी गई, और सहारागंज मॉल वाला बोल रहा है कि भाई आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है इसके बेसिस पे हम आपको एंट्री नहीं देंगे, या आपकी जो कास्ट है वो हमारी कास्ट की नहीं है इसलिए हम आपको एंट्री नहीं देंगे, यानी आपका रिलीजन है इस बेसिस में आपको एंट्री नहीं देंगे, तो अगर आप हिंदू हो हम आपको एंट्री नहीं सकते, यहाँ पे केवल मुस्लिम्स की एंट्री है, ये नहीं कर सकते, समझ गए दोस्तों। तो जो जैसे मॉल जैसी चीजें हो गई, फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब लोग जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, इन सब जगहों पे भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और प्राइवेट पीपल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यानी शॉप ओनर जो है, मॉल ओनर जो है, रेस्टोरेंट का ओनर जो है, वो ओनर अपनी मर्जी से एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसी तरीके से मान लीजिए कोई कुआं है, कोई टैंक है, कोई बादिंग घाट है, कोई रोड है, कोई प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है, कोई गार्डन है मान लीजिए, जिसको थोड़े बहुत पैसे गवर्नमेंट से लेके बनाया गया, स्टेट से लेके बनाया गया, या फिर पूरे पैसे स्टेट से लेके बनाए गए, तो उनमें भी किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वो एक अलग बात है कि मान लीजिए कोई कॉलोनी बनी है, मान लीजिए कोई पारसी कॉलोनी बनी है, उस पारसी कॉलोनी में सब लोग रहते हैं, अब ऑब्वियसली बात है उस पारसी कॉलोनी के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होगी, और मान लीजिए उस पारसी कॉलोनी के अंदर एक कुआं है, तो उस कुएं में का पानी लेने के लिए बाहर के लोग ये नहीं बोल सकते कि भैया हमें पारसी कॉलोनी में एंट्री दो क्योंकि हमको उस कुएं का पानी मिलना है, क्योंकि हो सकता है कि वो कम्युनिटी ओन्ड वेल हो, जिसको उन्होंने अपने पैसे से बनवाया हो, ना कि सरकार से पैसे लेके बनवाया हो, तो उस केस में तो भाई देखिए पारसी कॉलोनी वाले ही कुआं इस्तेमाल करेंगे, कोई और कुआं इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन वो टैंक, वो वेल्स, वो बैदिंग गार्ड्स, वो रोड्स, वो प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जिसको सरकार के पैसे से बनाया गया है, या फिर आधे सरकार के पैसे से और आधे किसी और के पैसे से बना के, जहां पे थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है सरकार का पैसे का, वहां पे आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। आप देखिए थोड़ा सा यहां पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मत रखिएगा, चीजें अपने दिमाग में क्लैरिफाई रखिएगा। आप बोलोगे कि भैया मॉल में तो और पब्लिक रेस्टोरेंट में भी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। देखिए मॉल्स होते हैं, मॉल सबके लिए खुले हैं दोस्तों, पूरी दुनिया मॉल में जाके शॉपिंग कर सकती है, बड़े अलग अलग तरीके के ब्रांड हैं, फिर वहां गेम पार्लर होते हैं, वहां पे आपका मूवी थिएटर होते हैं, सब जा सकते हैं, तो वो जगह तो पब्लिक के लिए बनी है ना, तो वहां पे पब्लिक में से आप किसी को नहीं रोक सकते। और जैसा कि मैंने बताया कि एक पारसी कॉलोनी है, तो पारसी कॉलोनी के अंदर जो कुआं बना है वो उस कॉलोनी के लोगों के लिए बना है, तो बाहर वालों की एंट्री तो ना हो सकती है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर भैया उस पारसी कॉलोनी के अंदर जाने दो क्योंकि मुझे उस कुएं से पानी पीना है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो कुआं बिना किसी सरकार की मदद के उस पारसी कॉलोनी के लोगों ने अपने पैसे से मिलकर बनाया अपने इस्तेमाल के लिए, और कॉलोनी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो उनकी प्राइवेट कॉलोनी है, तो बाहर के लोग जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे कुएं से पानी पीना है तो मुझे अंदर आने दो, नहीं आ सकते। समझ, थोड़ा बहुत फर्क आपको समझ में आ रहा है आई होप। तो जो प्रोविजन वन था आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ये जो क्लॉज 1 था आपका, ये वाला, ये क्लॉज 1 रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता था केवल स्टेट्स के ऊपर, केवल स्टेट के ऊपर, स्टेट में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है। जो प्रोविजन 2 है वो ये बोलेगा कि स्टेट तो अत्याचार नहीं कर सकता, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डिस्क्रिमिनेट करने का, तो कोई जनरल परचून वाले की दुकान है तो वो परचून वाला सबको सामान बेचता है, तो कोई एक कास्ट का पर्सन जाके बोलता है मुझे सामान दो, उसने सामान दे दिया, कोई दूसरी कास्ट का पर्सन जाके सामान मांगता है तो वो सामान को मना कर दे, तो इस बेसिस में मना नहीं कर सकता कि आप इस कास्ट के हैं, इस बेसिस में मना नहीं कर सकता आप इस रिलीजन के हैं, आप इस रेस के हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आप प्लेस ऑफ बर्थ आपका कुछ और है, इस बेसिस में मना नहीं किया जा सकता। आई होप अब तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आपकी चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं मेन चीज पे। अब मेन बवाल शुरू होगा क्लॉज 3 से, क्लॉज 4 से, और फिर आएगा आपका क्लॉज 5। क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी लक्ष्मीकांत में देखेंगे, लक्ष्मीकांत में 4 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, 4 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रोविजन 1 और प्रोविजन 2 आपको पूरी तरीके समझ में आने चाहिए, तब आप प्रोविजन 3, 4, 5 के एसेंस को समझ पाओगे। देखते हैं, पहला जो एक्सेप्शन बताया गया है लक्ष्मीकांत में, जो ए पॉइंट है, वो कहता है
कि स्टेट को ये परमिशन है कि भाई वो कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। ये आपका क्लॉज थ्री में लिखा है। देखिए क्या लिखा है क्लॉज थ्री में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक चीज ये हो गई। फिर जो दूसरा पॉइंट है आपका एक्सेप्शन का, आपका लक्ष्मीकांत में बी पॉइंट, वो क्या बोलता है कि स्टेट को यह परमिशन है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं किसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज टू ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो क्लॉज फोर है ये आया किसके थ्रू, ये क्लॉज फोर आया आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ये क्लॉज फोर डाला गया था आर्टिकल 15 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। हुआ क्या था कि देखिए, जो गवर्नमेंट थी, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो कर क्या रही थी, वो ये करने की कोशिश कर रही थी कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जा रहे थे ताकि वो ऊपर आ सके। तो उन स्पेशल अरेंजमेंट्स के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया। उन लोगों ने बोला कि भाई हमारा आर्टिकल 29 के अंदर जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंदर जो हमारे राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 29 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम। तो अगर आप रिजर्वेशन को लेके आते हो तो रिजर्वेशन के बेसिस पे एक स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा आगे आने का। तो अगर एक स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा आगे आने का तो कुछ लोगों को कम मौका मिलेगा आने का। तो जिन लोगों को कम मौका मिल रहा था उन्होंने बोला कि आर्टिकल 29(2) के अंदर हमारे राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। सुप्रीम हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला आप ये नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में डाल दिया ये टेक्स्ट। ये टेक्स्ट ये बोलता है कि भैया क्लॉज 2 आर्टिकल 29 को कोई चीज वॉयलेट करती है या फिर इस आर्टिकल को, आर्टिकल 15 को कोई चीज वॉयलेट करती है। आर्टिकल 15 को वॉयलेट करने का मतलब है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2। तो ऐसी कोई चीज जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को वॉयलेट कर रही है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को वॉयलेट कर रही है, उसके बावजूद आप स्टेट को नहीं रोक सकते कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ करें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ करें, तो वो रिजर्वेशन कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन करा जा सकता है, ये बात कही गई यहां पे। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर ये जो पूरा अरेंजमेंट किया गया है ना, इस अरेंजमेंट में एक ताकत नहीं दी गई है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू लाया गया ताकि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस ले फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस के लिए फी कंसेशंस दे सकती है, सीट्स रिजर्व कर सकती है, लेकिन केवल उन इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्व कर सकती है जिनको गवर्नमेंट से मदद मिल रही है, जिनको स्टेट से मदद मिल रही है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर स्टेट को यह ताकत नहीं मिलती है कि वो रिजर्वेशन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लेके आ सके। और आपको पता है, देखिए जब ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया तो उस समय देश ऑलमोस्ट आजादी हुआ था, तो उस समय पे भाई जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उतनी तेजी से उस समय पे ग्रो नहीं हो रहे थे। तो केवल स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस में ये प्रावधान डाले गए। धीरे धीरे आप आगे देखोगे कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो करना शुरू करेंगे और जितनी सीटें, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, इन सब कोर्सेज के लिए जितनी सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं उससे बहुत कम सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यानी वो कॉलेजेस जिनको स्टेट फंड कर रही है। तो सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 लेके आए और इसके थ्रू डाला गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और इसके थ्रू ये बोला गया कि भाई सरकार अगर चाहे तो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है।
तो एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया है वो केवल उन इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा गया है जिनको कुछ मदद मिल रही है स्टेट से, गवर्नमेंट से। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया है वो जो स्टेट के द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशंस है उनमें तो लागू होगा ही, और अगर सरकार चाहे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इस रिजर्वेशन को लेके आ सकती है। हालांकि बहुत कम ऐसा हुआ है दोस्तों कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन लाया गया हो। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पे रिजर्वेशन अभी नहीं है। वो तो सरकार पे डिपेंड करता है कि भाई सरकार कोई लॉ को पास करके उन कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन को लेके आ सकती है। तो दो चीजें आपको समझ में आई, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 किसके थ्रू आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 किससे आया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर जो भी रिजर्वेशन है वो उन इंस्टीट्यूशंस में दिया जाएगा जिनको पैसा मिलता है सरकार से। अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे रिजर्वेशन को लागू किया जा सकता है। कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां पे एक और आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, इस पे वापस आते हैं। अब हमने यहां पे अब तक क्या क्या देखा, 15 क्लॉज 1 देख लिया, 15 क्लॉज 2 देख लिया, 15 क्लॉज 3 देख लिया, 15 क्लॉज 4 देख लिया। जैसा कि आपको पता है 15 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन है, क्या 15 क्लॉज 5 में रिजर्वेशन है, बिल्कुल है, वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आपको पता चल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू आया है। क्या बोलता है ये जरूरी है, ये बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 क्या बोलता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में क्या बोल सकता है कोई आदमी, कि मान लीजिए मैं हूं, मुझे किसी प्रोफेशन में जाना है, मान लीजिए मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है और मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूं आईआईटी मद्रास से, पर आईआईटी मद्रास में रिजर्वेशन सिस्टम लगता है और मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का हूं, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई देखिए मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कुछ सीटें रिजर्वेशन में रिजर्व है, तो उनको कम नंबर पे सीटें मिल जाती हैं, तो मेरा हक यहां मारा जा रहा है और मुझे किसी भी प्रोफेशन को किसी भी ऑक्यूपेशन को करने में पूरा अधिकार है। तो अगर मैं इस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को नहीं करता हूं तो मुझे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे मेरे ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये जो आप स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं कुछ कास्ट को, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें कोर्ट में ना पहुंच जाए, इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी की ताकत को इनइफेक्टिव कर दिया किसने, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ने। क्या बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब तो कुछ आपको स्पेशल नहीं लगा होगा, लेकिन एक चीज अलग आई है, सब क्लॉज जी और क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में नहीं थी। दूसरा, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। तो वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार से मदद मिलती है और जिनको सरकार से मदद नहीं मिलती है उनमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान सरकार कर सकती है, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। बस कुछ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बात की गई आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। यानी आर्टिकल 15/5 यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आपका उन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होगा जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में दे रखे हैं, बाकी सब पे लागू होगा। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में एक चीज आपको नजर आई कि भाई सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 तो ये भी इनएफेक्टिव हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के सामने। दूसरा, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एम्बिट में आ गए सरकार के कि भैया वहां पे भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो अब आप आ जाइए कहां पे, अब आप आ जाइए डी पॉइंट पे। तो जो मैं चार एक्सेप्शन बता रहा हूं ना आपको लक्ष्मीकांत, उसमें डी पॉइंट पे आइए। डी पॉइंट में क्या बोला गया है,
कि भाई सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटा लेके आया है। तो आपने सुना होगा कि न्यूज आई थी 2018 के लगभग कि 10% ऑफ द सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो लोग गरीब हैं उनको 10% का कोटा दिया जाएगा। और खास बात यह है कि ये जो 10% का उनका कोटा दिया जाएगा ना, इस 10% के कोटे में ना ओबीसी एलिजिबल है, ना एससी एलिजिबल है, ना एसटी एलिजिबल है। तो जिनके पास ओबीसी कोटा का बेनिफिट है, एससी कोटा का बेनिफिट है, एसटी कोटा का बेनिफिट है, वो लोग ऑटोमेटिकली इस ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओबीसी एससी एसटी के बाहर बसते हैं जनरल कैटेगरी। उस जनरल कैटेगरी में जो लोग गरीब हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं 10% का। तो ये जो 10% का जो बेनिफिट है ये अभी के करंट रिजर्वेशन से अलग है। तो 27% का रिजर्वेशन चल रहा है ओबीसी के लिए, 15% का रिजर्वेशन चल रहा है आपका एससी के लिए, 7% का रिजर्वेशन चल रहा है आपका एसटी के लिए। तो ये 27 और 15 7 22 49% का रिजर्वेशन है अभी, और इसमें 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो टोटल पूरे इंडिया में 59% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व। बट ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो डिसीजन है ये काफी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हायर क्लास में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सच में गरीब है। और आज की डेट में आपको दुनिया पता ही है दोस्तों, जिसके पास पैसा नहीं है ना उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो बहुत लाचार है, बहुत गरीब है। इसलिए ये 10% का कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देना जरूरी था, क्योंकि जो प्रेजेंट कोटास चल रहे हैं ओबीसी एससी एसटी इनको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगले 40-50-60 सालों में जब इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा, जब सारी क्लासेस ऊपर उठ जाएंगी, जब लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज और एडवांस हो जाएंगे, तब शायद इस ओबीसी एससी एसटी के कोटे को हटा दिया जाए और हमारी सोसाइटी में कोई भी कोटा ना रहे। लेकिन तब तक सरकार को यह लगा कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं इनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए 10% का ये एक्स्ट्रा कोटा लेके आया गया है। अब आपके लक्ष्मीकांत में बात की गई रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2005 का, और इस 93rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सरकार ने पास किया सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जिसने बोला कि भाई अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% का कोटा दिया जाएगा। कहां कहां? तो सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIM, इन सब में। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, पहुंचना ही था सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, हम मानते हैं आपका ये जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है 2005 का, इसको भी हम मानते हैं सही है, और आपका ये जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 का ये जो लॉ है इसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानते हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जो एडवांस सेक्शन है, जो पैसे वाले सेक्शन है, उन पैसे वाले सेक्शन को हटा दीजिए। जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन्हीं को इस ओबीसी कोटा का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यह बात बोली आपका किसने? कोर्ट ने। तो भाई अब अभी के लिए ओबीसी कोटा में क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, यानी कि उन लोगों के बच्चों को कोटा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन है दोस्तों उसमें, तो देखते हैं। अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, कैग का मेंबर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, या फिर किसी इसी तरीके की बॉडीज का मेंबर है, तो उनके बच्चों को कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा ओबीसी का। दूसरा, आप ग्रुप ए एम्प्लॉय हो, तो मान लीजिए कल की डेट में आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज निकाल लेते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज निकाल लेते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, IAS या कोई भी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लेते हैं, आप ग्रुप ए में पहुंच जाएंगे, ग्रुप ए में पहुंच जाएंगे तो आपके बच्चों को ये कोटा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कल की डेट में आप SSC CGL का एग्जाम निकाल देते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो उस केस में आप ग्रुप बी ऑफिसर होंगे, ठीक है। हालांकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ग्रुप सी बोला जाता है, बट उनके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ग्रुप बी के। मान लीजिए आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो वो ग्रुप बी पोस्ट है, तो उस केस में आपके बच्चों को भी कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक ऊंची पोस्ट में है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी एम्प्लॉय है उनके इक्विवेलेंट पोस्टें हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि NTPC हो गई, BHEL हो गई, ONGC हो गई, IOC हो गई, इस टाइप की कंपनीज हो गई, GAIL हो गई, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज,
या इवन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप वो एक ऊपर लेवल पे हो तो आपके बच्चों को कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कर्नल की रैंक के में हो आर्मी में या फिर नेवी एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक ऊंची पोस्ट पे हो तो आपके बच्चों को ओबीसी कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई बड़े प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, ऑथर हो, कंसल्टेंट हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में लगे हुए हो तो आपको कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक लिमिट से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है या एक लिमिट से ज्यादा अर्बन एरिया में लैंड है तो आपको ओबीसी कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये जो 8 लाख की इनकम लिमिट है ये तो 2017 में लेके आई गई थी, ठीक है। 1993 में जब ये चीज आई थी क्रीमी लेयर वाली दोस्तों, तो उस समय पे जो क्रीमी लेयर की जो सीलिंग थी वो थी 1 लाख रुपए। अब आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछोगे कि सर आप ये 1993 में जो ये 1 लाख है ये तो आप किताब से पढ़ के बोल रहे हो, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ओबीसी कोटा है ये तो 2006 में लागू हुआ। तो जब कोटा 2006 में लागू हुआ तो ये क्रीमी लेयर 1993 वाला क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है दोस्तों कि पहली बार इस क्रीमी लेयर को लागू किया गया था सतनाथन कमीशन के द्वारा, 1971 में। और जब इस सतनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी जब इनको लागू किया गया तो ये बोला गया कि भाई सिविल पोस्ट जो है उनमें जो कोटा रखते हो आप, तो एससी एसटी कोटा चल ही रहा था, तो सिविल पोस्ट में जो आप कोटा रखते हो उस कोटे में भाई अगर एक लिमिट से ज्यादा कोई कमा रहा है तो उसको आप बेनिफिट मत दो रिजर्वेशन का। तो जो क्रीमी लेयर की बात की थी भाई ये सारी बैकवर्ड क्लासेस में बात की गई थी, ठीक है। क्योंकि ओबीसी का हिसाब जो आया है वो काफी बाद में आया, हालांकि ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की बात चल रही थी वो पहले से चल रही थी। मंडल कमीशन के बारे में अगर आपको पता हो, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में बताने लायक वो टाइम नहीं, मंडल कमीशन से ही ये ओबीसी कोटा की बात उठी थी। बाद में 2003-2005 में जब पॉलिटिक्स कुछ टूटती सी नजर आई सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो इस तरीके का एक कोटा ले आए, ठीक है। चलिए वो एक अलग चीज है, वो एक पॉलिटिकल चीज है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम देखेंगे कि 1993 में जब इस क्रीमी लेयर की बात हो रही थी जो सीलिंग रखी गई थी, 1993 में क्रीमी लेयर बोला जाता था जो लोग कम से कम 1 लाख रुपए कमा रहे हो। फिर आप देखोगे 2004 में जो लोग 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं वो क्रीमी लेयर में आए। 2008 में ये लिमिट हो गई 4.5 लाख की, और उसके बाद आप देखोगे 2013 में 6 लाख हो जाएगी यही लिमिट, और 2017 आते आते ये लिमिट हो जाएगी 8 लाख। तो अभी के लिए अगर 8 लाख से ऊपर हो आप तो ओबीसी कोटा का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आखिरी चीज पे जो कि है 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसके थ्रू क्या बोला गया? इसके थ्रू ये बोला गया भैया 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। और जैसे कि मैंने बता दिया ये रिजर्वेशन केवल उनको मिलेगा जो एससी एसटी ओबीसी कोटा बेनिफिट जिनके पास नहीं है। इसके कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है भैया? आपकी फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और इस ग्रॉस इनकम में चाहे आप वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर से आ रही हो, चाहे बिजनेस से आ रही हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से आ रही हो, चाहे आप कहीं जाके कोचिंग पढ़ा रहे हो उससे आ रही हो, आपकी टोटल जो फैमिली की इनकम है, फैमिली इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ओबीसी कोटा वाले में फैमिली इनकम की बात नहीं हुई है। ओबीसी कोटा में जो क्रीमी लेयर उसमें फैमिली इनकम की बात नहीं हुई, यहाँ फैमिली इनकम की बात हो रही है। तो अगर आपकी फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एलिजिबल हो, और इनकम देखी जाएगी जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी इनकम देखी जाएगी। फिर कुछ और ऐसे क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिनको अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज्यादा है तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके घर में आपके फादर के पास भी है तो भी आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर अगर आपकी फैमिली के पास रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ज्यादा का तो आप कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर नॉन नोटिफाइड मतलब जो म्यूनिसपैलिटीज नोटिफाइड नहीं है वहां पे अगर आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या उससे ज्यादा का प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सारी प्रॉपर्टी को जोड़ के ये 1000 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर यार्ड वाले नियम को
लगाया जाएगा। फिर अब यहाँ पे मेन बात होती है फैमिली। तो फैमिली क्या है, तो फैमिली की बात हो गई भाई, पापा मम्मी, आपके फादर और आपकी मदर, आप और आपके वो सिबलिंग्स जो कि 18 साल से कम की उम्र पे। तो मान लीजिए आपकी एक बहन है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात वो कहीं जॉब वगैरह कर रही होगी, अपने पैसे कमा रही होगी, लेकिन उसकी इनकम को आप अपनी फैमिली इनकम में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो अपना शादी करके कहीं और जाके रहेगी, उसकी अपनी अलग फैमिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब फैमिली की ग्रॉस इनकम को जोड़ने की बात हो रही है 8 लाख, तो वो आपके पापा की इनकम, आपकी मम्मी की इनकम, आपकी इनकम और आपके उन सिबलिंग्स की इनकम जो कि 18 साल से कम है। वो 18 साल से ऊपर हो गए तो उनकी अपनी एक अलग फैमिली बनाएगी, उनकी अलग फैमिली की इनकम को आप अपना नहीं बोलोगे। तो मान लीजिए आपकी मम्मी कमाती है 3 लाख रुपए, आपके पापा कमाते हैं 4 लाख रुपए, और आप मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हो और आप कमाते हैं 1.5 लाख रुपए, तीनों मिला के 8.5 लाख रुपए हो गए, आप ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जितने इसके डिफरेंट फैसेट्स से मैंने सब बता दिए, फिर भी कहीं डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे अपने सवाल पूछने और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। इतने बेसिक लेआउट से पढ़ाया है मैंने, सच बता रहा हूं, ये सब मैंने अपने खुद की नॉलेज से सीखा है, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं और ना ही आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई पढ़ाने वाला है, चाहे 70,000 80,000 1 लाख दे कहीं पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।